किसान यादव जी हर्ष शर्मा आवे सौर पर मिस्टर पाल मंच पर आए, हमारे एक और अतिथि मंच पर विराजमान है, मुदरसे साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय संत जी का माल्यार्पण पाल साहब करें। हमारे इटासी प्रभारी भाई विनीत महाराज जी और रामकुमार जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका आवाज दीजिए। ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर अपनी डिग्रियां लेकर के रोजगार ढूंढते हुए, आज उनके बारे में भारत सरकार या प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ NRC की बात करते हैं, NRA की बात करते हैं। ये तमाम सारे मुद्दों पर हम लोग बहकावे में नहीं आएंगे। आज हम लोग पूछना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि आपने विदेश से 2.5 लाख रुपए का चश्मा मंगवाया सूर्य ग्रहण देखने के लिए, हमें आप बता दीजिए कि ऐसा चश्मा कौन सा, कहां से और कितने का आएगा कि जिससे आपको भूखे मरते बेरोजगार की पीड़ा दिख सके, भूखे मरते किसान की पीड़ा दिख सके। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी पीड़ा दिख सके, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है उसकी पीड़ा दिख सके, ऐसा चश्मा कहाँ से आएगा, हम लाकर दे सकते हैं। और आज हमारे जो नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या ली गई थी गंगा को सफाई को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। गंगा मैया के नाम पर कितने सौ करोड़ रुपए डकार गए बीजेपी के लोग, गंगा में एक JCB का पॉकेट तक लगा हो तो बताइए आप, गंगा की सफाई पर इन्होंने कितने पैसे खा लिए और गंगा के मुद्दे को लेकर के प्रदेश में सरकार बनाई, देश में सरकार बनाई, लेकिन ये लोग गंगा माँ के भी सगे नहीं है। जो भगवान राम के सगे नहीं हुए वो गंगा माँ के क्या सगे होंगे।